नहीं है वो, भाई मेरा एक्सपायर कर गया, तो मैंने इसीलिए सोचा कि उनको एक बेटा दे दूंगी अपना। जब दो बेटे हो गए, जब ट्विंस मुझे सुनाई पड़ा कि ट्विंस हैं, तो मैंने सोचा कि अच्छा एक बेटी एक बेटा हो जाएगा तब भी ठीक है, तो बेटी रहेगी, बहन के साथ वो खेलेगी, बहन को बहन मिल जाएगी, भाई को भाई मिल जाएगा, तब ऐसी इच्छा हुई। लेकिन जब दो ट्विंस आ गए और दोनों दो बच्चे मतलब भाई 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 निकले, तो मैंने सोचा कि एक अपने पापा को दे दूंगी। उसमें भी आप लोगों ने मुझे कहा ही कि नहीं अपने पापा को मत दो, ये ट्विंस हैं, किसी ट्विंस को अलग मत करो। काफी लोगों ने मुझे समझाया इस बात के लिए, मुझे कमेंट किए, बहुत अच्छा लगा। तो वहाँ भी मेरी जो है अच्छी ही भावना निकली, मैंने अपने दिल से अच्छा ही सोचा। लेकिन अब मैं अपने बच्चों को किसी को नहीं दूंगी, मैंने ये डिसाइड कर लिया है, बच्चे मेरे हैं। पहली बात, मैं क्यों दूं किसी को, किसी को के लिए भगवान ने मुझे नहीं दिया है, मेरे लिए दिया है। मेरे तीन इच्छा थी, तीन का संख्या जो है शायद अच्छा नहीं होता है, तीन के जो नंबर्स होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं कुछ लोगों के लिए। हो सकता है डेस्टिनी में मेरे तीन नंबर अच्छा ना रहा हो, ईश्वर ने मुझको चार दे दिया, तो इसलिए मैं किसी को अपना बच्चा नहीं देना चाहती। और चार बच्चे करने का मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था, तीन दो ही इनफ थे, बट ईश्वर ने हमको उस तरफ सोचने पर मजबूर किया। फिर से मैंने सोचा और मैंने एक बच्चे का और प्लान किया, फिर अब तीन की जगह चार हो गए, तो मैं क्या करूं, हो गए तो हो गए। उनको भी मुझे पालना है, उनको भी एक अच्छा संस्कार देना है, उनको एक अच्छा उनको भी मतलब उनके पालन पोषण में कोई कमी नहीं रखनी है। हम लोग इतने वेल इनफ हैं कि हम दोनों पति पत्नी अपना मियाँ बीवी मिलके अपने बच्चों को एक अच्छा संस्कार एक अच्छा इंसान बना सकते हैं। बाकी उनका भाग्य है, वो अपना भाग्य लेकर आए हैं, वो जाने। हमारा काम है उन्हें एक लायक इंसान बनाना, प्यार से रहें वो, सभी भाई बहन जो भी हैं अपना। हम दोनों वेल इनफ हैं कि हम अपने बच्चों का फ्यूचर बना सकते हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है। हमें ना तो अपने ससुराल का कोई धन चाहिए, ना अपने मायके का कोई धन चाहिए। जिसका जो हो वो सब लेकर अपना अपना यहाँ पे राजा बने रहो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे बच्चों को कुछ नहीं चाहिए। हम अपने बच्चों को उनके लायक जो भी है उनको हम दे सकते हैं, इतना भगवान हमें दे, इतनी हमें जिंदगी दे दे कि उनको उनके पैर पे खड़ा कर दें, उसके बाद चाहे जो हो उसकी को उसका उसकी कोई चिंता नहीं है, बट इतनी हमें लाइफ दे दे कि हम अपने बच्चों को कुछ लायक बना सकें बस। तो आपको अगर इससे ज़्यादा कुछ जानना है तो आप उस वीडियो पर जाइए, मैंने हालांकि उनको लिंक दे दिया था कि आप जो है इस पर जाकर देख लो रीज़न क्या है, हो सकता है उन्होंने देखा हो, लेकिन क्वेश्चन आ रहे थे तो आए थे सामने थे, तो मैंने सोचा कि लोगों ने मना भी किया था मुझे कि कोई ज़रूरत नहीं है बार बार एक्सप्लेन करने की, बट मन नहीं माना कि जब सबका क्वेश्चन मैं पुट ऑन कर रही हूँ तो क्यों इसको छोड़ दूँ। इसमें भी मैंने थोड़ा सा मेंशन कर दिया। उसके बाद क्वेश्चन है, आप यूके में कहाँ रहते हो? तो मैं हम हमारा जो घर है हम बिल्कुल से ईस्ट साइड में है, हम आपने कैम्ब्रिज सुना होगा, हम नियर कैम्ब्रिज हैं, थेटफोर्ड हमारे टाउन का नाम है, और नॉरिच हम रोड लगता है, यहाँ से सीधे नॉरिच के लिए निकलते हैं, तो हम लंदन टू नॉरिच के रोड पे हैं, तो इसीलिए हम हमारा ये जो उसके बीच में जो टाउन पड़ता है कैम्ब्रिज के बाद जो टाउन पड़ता है उसका नाम थेटफोर्ड है, तो हम इसी साइड में हैं। यदि आप यूके में हैं तो आप सर्च करके देखो, आपको थेटफोर्ड आप कहाँ रहते हो आपके वहाँ से यहाँ तक की दूरी पता चल जाएगी। तो यस, उसके बाद फिर एक क्वेश्चन है, आप क्या जॉब करते हो? तो पहले भी मैंने उनको पहले भी अपने जो मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो है मैंने उसमें बताया था कि मैं क्या जॉब करती हूँ कहाँ करती हूँ। तो मैं मैकडोनल्ड में हूँ एज ए क्रू मेंबर और क्रू ट्रेनर हूँ नाउ, अभी मैं क्रू ट्रेनर हूँ वहाँ पे। मैं कस्टमर सर्विस पे भी काम करती हूँ, किचन में बहुत कम काम करती हूँ, किचन में मैं उतना नहीं करती हूँ बिकॉज ऑफ मैं ब्राह्मण हूँ और
चिकन वगैरह और वहाँ पर नॉनवेज, नॉनवेज होता है ज़्यादातर, तो मैं अवॉइड करती हूँ किचन में। बट अगर मिल जाए, वहाँ पे शिफ्ट लगी होगी तो कर लूँगी, ऐसा नहीं है। तो ज़्यादातर मैं कस्टमर सर्विस में काम करती हूँ, विंडो पे हुआ या कस्ट ऑर्डर लेना हुआ या सर्विंग हुआ या फ्रंट पे हुआ, तो इस तरीके का मैं जॉब करती हूँ। और नाइट में भी मैंने अभी नाइट में करीब 3 साल पहले स्टार्ट किया था नाइट शिफ्ट। पहले मैं 0 आवर कॉन्ट्रैक्ट पे थी, यानी कि सिर्फ 2 शिफ्ट करती थी, फ्राइडे सैटरडे और संडे करती थी वीकेंड में। तो वीकेंड में करती थी तो वही होता था कि हम लोग कहीं जा नहीं पाते थे, बच्चों को आउटिंग नहीं करा पाते थे, तो फिर थोड़ा थोड़ा मैंने चेंज किया। फिर बीच में मैं जाने लग गई, वीकेंड छोड़ दिया करना। फिर ये हुआ कि टाइमिंग मैच नहीं हो रही थी, हस्बैंड का 1 वीक मॉर्निंग होता था, 1 वीक इवनिंग होता था, तो मुझे इससे बेटर जॉब मिल सकता था। केयर होम में मैं पहले जॉब करती थी, कर सकती थी उसमें भी, लेकिन वही है कि टाइमिंग मैच नहीं हो रहा था। कुछ दिन मैंने किया, उसके बाद छोड़ दिया वहाँ पे। बहुत से लोग होंगे जानते होंगे, नर्स में मैं पहले करती थी, नर्स केयर में, उसमें वो जॉब करती थी, लेकिन मैंने फिर वहाँ पर करते करते छोड़ दिया क्योंकि टाइमिंग मैच नहीं हो रही थी हस्बैंड की। मेरे हस्बैंड 1 वीक मॉर्निंग जाते हैं, 1 वीक इवनिंग जाते हैं, तो मैं मैकडोनल्ड में भी कोई और शिफ्ट नहीं कर पा रही थी टाइमिंग की वजह से। तो मैंने सोचा कि 0 आवर पे तो काम चलेगा नहीं, फैमिली बढ़ रही है, हम तो उस समय तब 4 ही थे, खर्चा भी था, इंडिया पे भी देखना ही होता है, मतलब आप इंडिया जा रहे हो तो इंडिया जाने के लिए भी 4 थे, तब भी ढेर सारा पैसा चाहिए होता था जाने के लिए। टिकट से ही हमारे 3-3, 4-4 लाख के टिकट पड़ जाते हैं, और अब जो है 6 हो गए हैं तो भी मतलब कहीं नहीं गया है, 4 लाख का तो हमारा टिकट ही हो जाता है, सब मिला के हो गया था। तो इसलिए फिर हमने जो है धीरे धीरे करके अपना शिफ्ट शुरू किया नाइट में। तो फिर ओवरनाइट में 30 आवर करने लग गई, तो 1-3 डेज हम वीकडेज में करते थे एंड 2 डेज वीकेंड में करते थे। वीकेंड का मतलब फ्राइडे सैटरडे करते थे, संडे नहीं करते थे, संडे ऑफ रखते थे बच्चों के लिए, उनको टाइम देने के लिए, फैमिली को टाइम देने के लिए, तो संडे नहीं करती थी मैं। तो यस, हम मैकडॉनल्ड में काम करते हैं, नाइट शिफ्ट करती हूँ, एज ए क्रू ट्रेनर हूँ वहाँ पे मैं। और आई थिंक आपको इसका सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो एक क्वेश्चन है, दी आप ट्विंस का खाना खिलाने का टाइम कैसे मैनेज करते हो? मेरे भी ट्विंस होने वाले हैं, प्लीज शेयर करें, और क्या खिलाते हो? तो उनको ड्यू डेट आई थिंक नवंबर में था, तो अगर अगर नवंबर चल ही रहा है तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई अगर आपको बेबी हो गया हो, और अगर नहीं हुआ हो तो सब कुछ स्मूथली हो जाए इसके लिए मतलब मेरा तहे दिल से मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी भगवान से, सब कुछ आपका स्मूथली हो जाए, आप अच्छे से निकल आओ उस सिचुएशन से, बच्चा आपका सही हो, बेबी सही हो, आप सही हो, अच्छे अच्छे घर आ जाओ। फिर मुझे कमेंट करके भी बताना, इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट करना कि आप जो है अच्छे से सब कुछ आपका हो गया है। और अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो पहली बात तो मैं फीडिंग बच्चों को, जब ये बेबी थे, छोटे थे बिल्कुल, तब भी मैं फीडिंग इनको सेम टाइम में ही कराती थी, अलग अलग टाइम में नहीं कराती थी। 5 महीने तक तो इनको कोई खाना वगैरह दिया नहीं मैंने, कोई ऐसा, क्योंकि हम लोग यहाँ होता है ना अन्नप्राशन कराते हैं, तो अन्नप्राशन से पहले कुछ नहीं देते हैं। तो जब अन्नप्राशन हो गया तब से मैंने इनको खाना देना शुरू किया। खाने में मैं से इनको खिचड़ी देती थी, कभी कैरेट और जैसे गाजर और राइस आलू को एक साथ उबाल कर, राइस उसमें कम होता था, गाजर और आलू की मात्रा ज़्यादा होती थी, तो इस टाइप से मैं इनको बनाकर खिचड़ी देती थी। कभी मूंग की दाल को एकदम से उसको पतला पानी करके दे देती थी, पिलाती थी। तो फ्रूट में मैं इनको बनाना देती थी, एप्पल दे देती थी, ब्रोकोली दे देती थी डिनर के टाइम में। तो
तो इसी तरीके से, लेकिन जो भी दिया है मैंने शाम को इनको, मतलब साथ ही साथ दिया है, सुलाया भी है तो साथ ही सुलाया है, खिलाया भी है तो साथ ही खिलाया। सोने का तो खैर ही ऑटोमेटिकली साथ ही सोते थे शुरू से, एक सोने का है अगर उसको नींद लगी है तो वो दूसरा भी सोएगा, एक ने पोटी किया है तो दूसरे ने भी पोटी किया है, तो खाने का भी इनका जो था वो भी एक साथ ही चला है बचपन से। तो ये साथ इनको अगर खाना आएगा तो वो ऐसे देखेगा दूसरे को कि भैया तुम अब चलो खाना का टाइम हो गया, बैठना है, और ये भी नहीं कि मैं यहाँ खिला दिया वहां खिला दिया वहां खिला, इनको प्रॉपर इनके चेयर में बांध कर आराम से बैठ कर खिलाती हूँ ताकि इनको पता रहे कि नहीं ये डाइनिंग एरिया है, यहाँ पे खाना खाना है, ये पूरे घर में घूम घूम के खाने की आदत ना रहे और मैं साफ करती रहूं, वो सब काम नहीं। इसीलिए मैंने इनको जो है 2 बार खिलाने की भी आदत नहीं रखी है कि एक बार मैं एक बच्चे को खिलाऊं फिर दूसरे को उसके बाद खिलाऊं, तो अगर एक को खिला रही हूं तो साथ में एक दूसरा भी बैठा है उसको भी साथ में खिला दो, तो इसी वजह से कि ताकि मेरा जो उसके स्कूल गोइंग किड्स है मेरे पास, प्लस घर में अकेली रहती हूँ, हस्बैंड तो रहते नहीं है कि मैं मुझे उनका कोई हेल्प मिल जाता है, तो बहुत सारे काम भी होते हैं, अब वर्क भी शुरू कर दिया, अगर मैंने ऐसा आदत ना डाला होता तो बहुत मुश्किल हो जाता ट्विंस में। मुझे मालूम नहीं था कैसे मैनेज करना है, लेकिन अपने आप से बस सोच सोच के ऐसे ही मैनेज किया है और कर रही हूँ अभी भी। ना तो मुझे कोई गाइड करने वाला है कि मुझे कोई बताने वाला हो कि ऐसे करो ऐसे करना चाहिए ऐसे करना चाहिए, बट जो मेरे भगवान कराते जा रहे हैं, जो मुझसे हो रहा है, जो मुझे समझ में आ रहा है, उस हिसाब से मैं अपने बच्चों को पाल रही हूँ। और अभी है जैसे कि अभी भी मैं इनको शाम में जो इन्हें खिलाना पिलाना है खिला देती हूँ, लास्ट इनको मिल्क भी पिला देती हूँ सुलाने से पहले, बीच में इनको आदत नहीं है, बचपन में तो दे देती जब छोटे थे, जब खाना वगैरह का इनका कोई सहारा नहीं था, सिर्फ मिल्क ही इनको पीना था, तो नाइट में उस समय मैं इनको देती थी मिल्क, लेकिन अभी मैंने कुछ जब, क्योंकि मैंने वैसे ही फिर प्लानिंग करना शुरू किया ना कि मुझे वर्क पे जाना है तो कैसे करना होगा, मैं तो रात भर उठ के कर सकती हूँ, चाहे जब आप उठा दो मैं उठ जाऊंगी कर दूंगी, पूरी रात बैठी रहूंगी, लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं कर सकते हैं ये चीजें, तो या किसी, आई थिंक किसी के हस्बैंड नहीं कर पाएंगे, इनको वर्क पे जाना है या जो वर्क टू होम है सॉरी, तो वो भी नहीं कर सकते हैं, उनको कंप्यूटर पे क्या के बैठना है, उनको नींद आएगी, उनको समझ में नहीं आएगा, तो वही है ना कि लेडीज हम माए सब कुछ जो है मैनेज कर सकती हैं, बट आई थिंक हस्बैंड लोग नहीं कर सकते हैं, जो है फैक्ट वो यही है कि वो नहीं कर सकते हैं, मेरे हस्बैंड तो नहीं कर सकते हैं, भाई बाप के किसी के कर सकते हो तो अच्छी बात है, वो रात भर जो है इरिटेट हो जाएंगे, उनकी आंखें एकदम सुबह लाल लाल हो जाएंगी, फिर 45 मिनट उनको मॉर्निंग में ड्राइविंग करना है, जॉब पर जाना है, तो क्यों ऐसी आदत डालना कि खुद को ही परेशानी हो। तो इनको मैं सुलाने से पहले जो भी खाना पीना है बेटा खा पी लो, सुबह में मिलेगा आप सीधे, तो रात में ना ये मांगते हैं ना रोते हैं दूध के लिए, अगर रोएंगे इनकी तबीयत खराब होगी तो ही रोएंगे, कुछ प्रॉब्लम होगी तो ही रोएंगे, अदरवाइज ये आराम से अपना दोनों सो जाएंगे, लेकिन ये है कि इनको साथ लेकर सोने की आदत हो गई है, ये पहले कोट बेड में सोते थे, अपने अपने 2 कोट बेड मैंने ले रखा है तो उसमें सोते थे, इवन एक तो मैंने जो है सेल कर दिया, किसी को दे दिया, सेल किया किसी को दे नहीं दिया, यहाँ पे और कोई नहीं है मेरे जान पहचान का, होता है फेसबुक पे लगा दो, दे देती हूँ चीजें तो वहां सेल हो जाती हैं, कोई भी चीज अगर मुझे बाय करनी है, वैसे तो बाय करने का मतलब जैसे फर्नीचर में कोई चीज हुआ या घरेलू घर में कोई ऐसा कुछ ऐसा ठोस चीज हुआ जो जो खरीदने में बहुत महंगा है, तो एक बार मैं वहां ट्राई कर लेती हूँ, तो बाय एंड सेल का जो फेसबुक लिंक होता है, वेबसाइट होता है, फेसबुक पेज होता है, उस पर आप इस तरह की चीजें, तो एक तो मैंने सेल कर दिया, एक रखा हुआ है जस्ट इन केस अगर कोई बच्चे वाला आ जाए तो उसके लिए मैनेज कर सकें, तो वो भी चला ही जाएगा देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल उसको मैंने रख रखा है। तो यस, मैंने अब तक इनको सब साथ ही साथ खिलाया पिलाया है, तो अभी 2 दिन पहले क्या था कि इनकी तबीयत खराब चल रही है आजकल, मैंने बताया ही था लास्ट वीडियो मेरी वही हॉस्पिटल की थी, आपके साथ शेयर किया था, तो भी हस्बैंड ने कल बोला मुझसे कि इनको जो है करीब आई थिंक 3 बज रहा होगा रात का, ये रो रहे थे क्योंकि इसको बुखार चढ़ा हुआ था, दोनों की हालत यही चल रही है, तो
उन्होंने कहा कि एक जाके गरम गरम दूध लाकर दे दो, हो सकता है भूख लगी हो। तो हमने कहा कि पहली बात तो उन दोनों की तबीयत खराब है इसलिए रो रहे हैं, और गरम गरम दूध की आदत मत डालो क्योंकि आदत इनको इनका मैंने बना दिया है। तो इनको अब सुबह ही 6 बजे मिलना है तो 6 बजे सुबह ही मिलेगा दूध। दूध का ऐसा इनका कोई वो नहीं है, ये इनकी तबीयत खराब है इसलिए रो रहे हैं और इनको दवाई देना है। हालांकि कल भी मैंने जीपी को कॉल किया था, जीपी ने कहा कि आप जो है इनको हॉस्पिटल लेकर जाओ क्योंकि बुखार जो है वो बार बार आ जा रहा है। तो लेकिन मैं नहीं लेके गई क्योंकि हॉस्पिटल जाने का मतलब है कि बस वहां बैठे रहना लेकर। जब इतना कंडीशन खराब होगा तो देखेंगे, बुखार है वहां भी वही वो न्यूरोफेन और कॉलपोल यही देंगे, हम भी वही कर रहे हैं दे रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने उस मैं जान रही हूँ कि इनको प्रॉब्लम कहाँ से है। उनको लगा कि इनको भूख लगी होगी इसलिए रो रहे हैं। मैंने कहा अगर हम आदत डालोगे बीच में उठने की तो आप ही को प्रॉब्लम होगी, मैं जॉब पे रहूंगी, आपको उठ कर इनको दूध देना होगा। वो क्योंकि आदत बनाने में और बिगाड़ने में बहुत अंतर होता है। बनाने में तो मुझे टाइम लग गया, मतलब मैंने कुछ दिन तो उन्होंने प्रॉब्लम किया, रात को जब किया तो देती थी, ऐसा नहीं था कि नहीं देती थी, नहीं तुमको नहीं देना है तुम्हें सोना ही है अब, ऐसा नहीं है, जब रोते तो देती, लेकिन धीरे धीरे उस टाइमिंग को, भले जैसे 2 बार देती थी रात को फिर 1 बार कर दिया, उस तरीके से उसको धीरे 1 बार कर दिया, फिर अब उसको बस वही डिनर के टाइम में जो भी देना था दिया उसको, रात को सीधे अब सुबह में। तो उसको बनाने में और बिगाड़ने में बहुत जो है अंतर है। तो मैंने कहा उनकी आदत ना बिगाड़ो, रहने दो, मतलब सो जाएंगे ये भी, इनको भूख नहीं लगी, इनको है बुखार इस वजह से रो रहे हैं। तो यस, जब आपके अगर ट्विंस है तो आप साथ ही साथ दोनों को खिलाइए पिलाइए, और जो भी आपके डॉक्टर या जो भी आपके घर वाले रिकमेंड करें खिलाने का उसी तरीके से आप उनको खिलाइए। हमें कोई ऐसा बताने वाला नहीं था, हमें जो डॉक्टर कहते थे या हमें जो हमारे हमने अपने दूसरे बच्चे के साथ जैसे किया है हम उसके साथ भी वैसे ही कर रहे हैं। तो आई थिंक इसका इस क्वेश्चन का यही आंसर होगा कि आप अपने घर के हिसाब से बच्चों को खिलाइए। आपके यहाँ कब से खिलाया जाता है, आपका जो है क्या खाने का तरीका है उस हिसाब से खिलाइए। बच्चे नॉर्मल सॉफ्टी फूड खाते हैं, अभी भी मैं इनको जो जैसे साग भी बनाया है, दाल साग वाला, जो मैं कभी कभी दाल बनाती हूँ दाल में साग पालक डाल के, तो अगर दाल पालक बनाया है वो भी बिल्कुल से मैं हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर देती हूँ फिर खिलाती हूँ। तो अभी क्योंकि इनको चबाने वाला दांत तो है नहीं, सिर्फ काटने वाला दांत आया है, तो जब चबाने वाला आएगा तो ये चबा सकते हैं, अब वो तो खड़ा खड़ा इनको फिर पेट में चला जाएगा। तो अभी भी है उसको स्मूथ करके खिलाती हूँ, बट यही है कि साथ साथ खिलाइए। इतना मेरी मेरी पर्सनल एडवाइस है ये कि मैंने तो साथ साथ ही खिलाया है, उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी, बच्चों को भी एक टाइमिंग बन जाएगा कि हाँ ये यहाँ अब मुझे खाने का टाइम है, हम दोनों को खाना मिलेगा, यहाँ अब हमारा लंच का टाइम है, हमारा ब्रेकफास्ट का टाइम है, हमारा डिनर का टाइम है। तो आपको भी परेशानी नहीं होगी, आप पूरे दिन उसमें बिजी नहीं रहोगे, कुछ और काम कर लोगे उसके टाइम में, तो आराम आपको रहेगा। तो आई थिंक आपके इस सवाल का ये जवाब होगा। काफी लंबा मैंने इसको खींच दिया क्योंकि कई चीजें इसमें शामिल थी। और फिर क्वेश्चन है, दी आप अपनी ड्राइविंग जर्नी शेयर करें, और क्या आप सब तरह की कार चला सकती हो? तो यस, मैं सब तरह की कार चला सकती हूँ, लेकिन यूके में नहीं, इंडिया में। बिकॉज इंडिया में मैंने मैनुअल से सीखा था, और वहाँ पे आप ऑटोमेटिक भी चला सकते हो मैनुअल की जो है उस पर लाइसेंस पे, और अब चाहे चेंज हो गया हो मैं नहीं कह सकती, लेकिन जब मैंने सीखा था तो मैंने मैनुअल से सीखा था और मैं मैनुअल भी चला सकती हूँ वहाँ पे, ऑटोमेटिक भी चला सकती हूँ। लेकिन यहाँ आते हैं, अब यहाँ की बात करते हैं। तो यहाँ मैंने पहले जॉब जब मुझे मिल गया तो जॉब मैंने तो 2 साल किया, और 2-3 साल आराम से मैंने जॉब वहाँ पर किया। लेकिन जब मुझे शाम को, जैसे मैं शाम का शिफ्ट करती थी और बच्चा बच्चे छोटे थे, तो अब बारिश हो रही है, स्नो है उस टाइम में,
मुझे, मैं 2 बजे 3 बजे रात को फिनिश करती थी जॉब, तो अब हस्बैंड को स्नो हो रही है बाहर, मुझे पिक करने जाना है। तो उस समय कभी कभी क्या होता था कि बच्चों को उठाना पड़ता था, प्रियंका को कहते थे चलो मम्मी को लेने जाना है, शिवांशु कहते चलो मम्मी को लेने जाना है, वो दोनों उठ के रेडी हो जाते थे, तुरंत कार में बैठ जाते थे। लेकिन वो मुझे फिर अंदर से फील अच्छा नहीं होता था कि हाय, मतलब इतना ठंडी में और बच्चे मेरे उठते हैं सिर्फ मेरे लिए कि मम्मी को पिक करने जाना है। छोड़ने के लिए तो हस्बैंड छोड़ आते थे, लेकिन जब पिक करने की बात आती थी, जैसे कभी मैं 6 6 बजे से लेकर 2 बजे तक करती थी, कभी मैं 5 से 1 करती थी, ऐसे करती थी शिफ्ट शाम वाले ही, सब दिन में अपना सब काम करा, बच्चों के साथ रही, शाम को मैं शिफ्ट करती थी। तो मुझे ऐसा फील होता था कि मुझे जो है गाड़ी ड्राइविंग सीख लेनी चाहिए। तो उधर से मैं अकेले कभी कभार तो कोशिश करती थी, क्योंकि जब मैं शिफ्ट फिनिश करती थी उस समय बहुत ही रेयर कोई फिनिश करता था, 2 3 बजे की शिफ्ट बहुत ही रेयर कोई, वो ज्यादातर ओवरनाइट वालों का होता था, तो ओवरनाइट वाले ही रहते थे 12 बजे के, क्योंकि अंडर एज वाले 12 बजे खत्म कर देते थे, क्योंकि मैकडोरो में ज्यादातर अंडर एज वाले ही काम करते हैं, बच्चे बच्चे जो होते हैं, टीनेजर्स होते हैं, फ्लेक्सिबल आवर होता है, 16 16 घंटे के अंदर वो अपना जॉब करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं साथ साथ, तो मैकडोनल्ड उनके लिए काफी इजी रहता है जॉब करना। तो इसी वजह से बहुत से लोग 12 बजे तक खत्म कर लेते थे। अब जब 1 बजे तक, या तो कभी मैं 2 बजे 3 बजे जब फिनिश करती थी, तो अगर मुझे किसी का साथ मिला तो ठीक है, नहीं तो फिर मुझे वॉक करना पड़ता था। कभी कभी मेरी मैनेजर जो जो इवनिंग वाली मैनेजर्स होती थी वो फिनिश करती थी, तो वो मैं उनके साथ आ जाती, वो मुझे ड्रॉप कर देते थे। तो यहाँ से मुझे दिक्कत थोड़ी सी महसूस हुई, और मैंने सोचा कि मेरे बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, हस्बैंड को प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे किसी तरीके से गाड़ी ड्राइविंग सीखनी है। पहले तो मैंने बिल्कुल मना ही करती थी मैं, कि मैं ड्राइविंग यहाँ नहीं करूँगी, क्योंकि मैं सुनती थी कि यहाँ पे ड्राइविंग के बहुत बहुत रूल्स हैं, और भैया मैं कहीं जेल वेल मुझे डर लगता था कि मैं कहीं जेल वेल चली गई तो मेरे हस्बैंड मुझे छुड़ाने भी नहीं जाएंगे, ऐसा मैं कहती थी। तुम तो मुझे छुड़ाने भी नहीं जाओगे, वहाँ तो मेरे पापा के इतने पावर हैं कि कोई कोई मुझे कुछ कर नहीं सकता, यहाँ मैंने किसी किसी को ठोक ठाक दिया तो जो है मुझे जेल वेल हो जाएगी, और यहाँ मेरे बच्चे जो है अकेले हो जाएंगे। तो मेरा कभी मन नहीं करता था ड्राइविंग का सीखने का, लेकिन वही है ना कि मरता क्या ना करता, परिस्थितियां आपको सब करने पे मजबूर कर देती हैं। तो जब परिस्थिति मुझे ऐसी महसूस हुई तो मैंने ड्राइविंग यहाँ के मुताबिक सीखा, और यूके की ड्राइविंग राइट इज ऑलवेज राइट, सो यहाँ पे आपको राइट को प्रायोरिटी देनी है, बस बेस राइट में है अगर कोई तो उसे आपको प्रायोरिटी देनी है। तो यस, मैंने फिर यहाँ, तो पहले मैंने मैनुअल से स्टार्ट किया, क्योंकि मैंने मैनुअल ही चलाया था, मुझे नहीं पता था कि मैनुअल में मुझे दिक्कत आएगी। मैंने 3 बार तो अपने इंस्ट्रक्टर चेंज किए, पहले मैनुअल, फिर वो इंस्ट्रक्टर जो है टाइमिंग उसका नहीं सही होता था, फिर मेरी टाइमिंग मैच नहीं करती थी, तो इस वजह से मैं 3 बार तो ये चेंज किया मैंने मैनुअल और उसमें ऑटोमेटिक में। फिर जब मैं लास्ट में मैंने डिसाइड किया, जब मैं जाती थी, जैसे जैसे 40 तक स्पीड सही है, 40 माइल पर आवर की स्पीड में मुझे प्रॉब्लम नहीं होती थी गियर चेंज करने में, बट जब मैं 40 के ऊपर जाती थी, लाइक 60 70, यहाँ पे 60 जो है स्पीड लिमिट है, यहाँ की नेशनल स्पीड लिमिट है 70, मतलब माइल पर आवर पे जब मोटरवे पे आप जाते हो तो वहां पर 70 माइल पर आवर 75 माइल पर आवर इस तरीके की स्पीड हो जाती है। और जब वो मुझे मोटरवे पे इंस्ट्रक्टर मेरा लेकर जाता था तो गियर चेंज करने में स्टेयरिंग गड़बड़ा जाती थी, अब पैनिक हो जाती थी मैं बिल्कुल से। मैंने डिसाइड किया कि ना भैया, ऑटोमेटिक ही सबसे बेस्ट है, ना गियर बदलना ना कुछ, एक पैर का यूज करना है। और लेडीज के लिए अगर कोई आप सीखना भी चाहो तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि ऑटोमेटिक ही सीखना, ऑटोमेटिक इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर लेडीज, आई थिंक जेंट्स के लिए भी, क्योंकि गियर अब कौन बदलता है यार, इतनी पब्लिक, इतना रश टाइम में, और मुझे नहीं अच्छी लगती गियर वेयर की गाड़ी, मुझे अभी जब से ऑटोमेटिक चलाने लगी तब मुझे ऑटोमेटिक ही अच्छी लगती है, तो ऑटोमेटिक मैंने जल्दी से सीख लिया।
हालांकि मैंने सेकंड टाइम पास किया था, फर्स्ट टाइम मैं फेल हो गई थी। फर्स्ट टाइम फेल हो गई थी, क्या फेल हो गया था कि एक्चुअली वो जो पैलर पार्किंग होती है उसमें, यहाँ पर इतना सा भी मिस्टेक हुआ तो पैलर पार्किंग में मैं उसमें फेल हो गई थी। बाकी तो सही गया था मेरा सब, लेकिन उसमें जो है गाड़ी जो है थोड़ी सी जो है लाइन से सीधी नहीं खड़ी थी, बताओ उसमें उसने मुझे फेल कर दिया। सब कुछ सही है, जरा सा सीधी नहीं है गाड़ी, मतलब गई ऐसे घूमे अपने से अंदर गए, गाड़ी सीधी करके खड़ी है, गाड़ी अपने लाइन में खड़ी है, लेकिन जो कर्ब होता है, मतलब वो जो पेडेस्ट्रियन वाला जो होता है फुटपाथ, उससे थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस में खड़ी थी, इसमें मुझे फेल कर दिया उसने। दूसरे टाइम मतलब सब कुछ सही था, पास हो गई। तो यस, मैं सारी गाड़ी चला मतलब इंडिया में चला सकती हूँ इंडिया के मुताबिक, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ ऑटोमेटिक चला सकती हूँ। यदि आपने ऑटोमेटिक से लाइसेंस लिया है तो आप जो है मैनुअल नहीं चला सकते हैं, और यदि आपने मैनुअल से लाइसेंस लिया है तो आप दोनों चला सकते हैं। तो ऑटोमेटिक वाले लाइसेंस सिर्फ ऑटोमेटिक चला सकते हैं, और मैनुअल वाले ऑटोमेटिक एंड मैनुअल दोनों चला सकते हैं। तो आई थिंक इसका आंसर ये रहा। ओके, आप चार बच्चों के साथ साथ घर का सारा काम और जॉब कैसे मैनेज करते हो? तो आई थिंक मैंने इसका जवाब अभी 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 दिया है पहले ही, कि मैं हस्बैंड मेरे डे शिफ्ट करते हैं, और मैं जब जब जाती हूँ, जब मेरे हस्बैंड आ जाते हैं वहाँ से वापस, तो मैं ओवरनाइट शिफ्ट करती हूँ, यानी कि उनके शिफ्ट के बाद मेरा शिफ्ट होता है। तो ऑलवेज कोई ना कोई घर पे होता ही है, चाहे मैं रहूँगी चाहे हस्बैंड रहेंगे तो होता है। फिर मैं जो भाई जो काम है वो तो करना ही करना है, मैंने कुछ ऐसा लिस्ट बना के मैं काम नहीं करती कि मुझे अभी ये करना है, मुझे अभी वो करना, मुझे अभी वो करना। लिस्ट बनाने मैं अच्छी नहीं हूँ, और लिस्ट वाला जो अगर मैं बनाऊँ ना, तो लिस्ट मेरी ऐसे रखी रह जाएगी और पता चला कुछ और होने लग गया, तो लिस्ट विस्ट पे काम नहीं हो पाता मुझसे। हाँ ये है कि ये प्लानिंग चलती है कि अच्छा अभी स्टेप बाय स्टेप मैं काम करती हूँ, अभी ये काम है मॉर्निंग का है तो ये काम है, इवनिंग का है तो ये काम है। 7 बजे के पहले मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा सब जॉब डन हो जाए, मैं अब बेड पे चली जाऊँ थोड़ी देर में बेबी को। अब तो मैं धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ कि बेबी को भी उसी टाइम पर मैं सुलाने की कोशिश कर रही हूँ, कि मेरे ही साथ वो सो जाए तो अच्छी बात, वरना ये लोग सुला नहीं पाते हैं। तो इसलिए मैं अगर 7:30 बजे कोशिश करती हूँ कि स्कूल टाइम में मेरे सारे बच्चे बेड पे हो जाए और मैं बेड पे हो जाऊं बेबी को लेकर, 7:30 बजे से लेकर वही 9:30 बजे तक कोशिश करती हूँ कि मैं उठ जाऊं, यदि सारे सो रहे हैं आराम से। तो जब तक मुझे जाने का टाइम होता है, 1 वीक में जाती हूँ 11:30 बजे, तो तब तक तो सभी सो ही जाते हैं, लेकिन 9:30 बजे तक वाला जो होता है उसमें कभी कभी रामकृष्ण नहीं सो पाते हैं, सोते हैं, ये जगते रहते हैं, बैठे रहते हैं, यानी कि रात में इनकी एक्टिविटी और जो है स्ट्रांग हो जाती है। तो ये जो है कभी कभी मुझे इनके पापा के साथ छोड़ के जाना पड़ता है, तो इस वजह से मैनेज हो जाता है, ऐसा नहीं है नहीं हो पाता। बट ये है कि मैं कोई लिस्ट वगैरह बना के काम नहीं करती हूँ, और अब देख लो ना, अभी लिस्ट बना होता कि मुझे ये करना ये करना ये करना है, अब इमरजेंसी मुझे हॉस्पिटल जाकर बैठना था, 3 दिन मैं वहां बैठी रही, मेरा लिस्ट क्या काम आता, कोई काम आता? तो इसलिए जो उसी फ्लो में करती जाती हूँ, जो होता जाता है वो ठीक है, नहीं हो रहा है तो कभी कभी तो नहाने को नसीब नहीं होता है, तो क्या करेंगे लिस्ट बना के भैया। तो यस, ऐसे ही करती हूँ मैनेज। ओके, क्या आपने यूके की सिटीजनशिप ले ली है, और आपके बच्चे और हस्बैंड ने भी? तो मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे बच्चे बाय बोर्न ब्रिटिश हैं, ये यहीं पैदा हुए हैं सारे। तो इवन दो तो नॉरिश बैरी हॉस्पिटल में हुए थे, और ये दो तो सब उससे भी महान निकले, गए कैम्ब्रिज हॉस्पिटल में, बोले हम तो कैम्ब्रिज में पैदा होंगे, कैम्ब्रिज स्कूल में ही पढ़ेंगे, भी हो सकता है आगे चल के, तो भगवान इतना पैसा दे दे कि हम कैम्ब्रिज जो है यूनिवर्सिटी में पढ़ाएं अपने बच्चों को, बस भगवान इतना दे दे कि हम उस लायक इनको बना सकें। तो
तो यस, ये दोनों कैम्ब्रिज में हुए हैं, कैम्ब्रिज हॉस्पिटल में। मेरे दोनों चारों बच्चे बाई बोर्न ब्रिटिश हैं। मेरे हस्बैंड ने 2010 में सिटीजनशिप यहाँ की ले लिया था, वो भी ब्रिटिश हो गए। मैं ही बची थी, मुझे इंडिया से, इंडिया वालों से, अपने घर से, अपनी फैमिली से बहुत लगाव है, था, है भी। इस वजह से मैंने कभी चेंज नहीं किया इंडिया। इवन मेरे हस्बैंड ने जब पासपोर्ट अपना चेंज किया और उनका पासपोर्ट जब इंडिया वाला सरेंडर किया और वो जब कट के आया तो ऐसे लगा हो कि जैसे मेरे किसी ने कोई अंग काट दिया हो। मैंने कहा कि यार अगर, क्योंकि मेरे आने से पहले इन्होंने प्रोसेस कर दिया था ब्रिटिश सिटीजनशिप का, तो इस वजह से मैं नहीं कुछ बोल पाई थी। लेकिन मैं इनको कहती थी कि अगर मैं होती यहाँ पे तो मैं ना करने देती। इन्होंने मुझे नहीं बताया था इस वजह से। क्या गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, उठ गए? ओके, जल्दी से फिनिश करके हम आते हैं। चलो करो ब्रश। तो मैंने इनसे कहा कि मेरे आने के बाद अगर ये प्रोसेस की होते तो मैं ना करने देती आपको। क्या है, स्किन हमारी वही है, हम वही हैं। एक पासपोर्ट चेंज करने से क्या हम ब्रिटिश हो जाएंगे? हाँ, सोच हमारी इंडियंस है, पहनावा ओढ़ावा हमारा इंडियंस है, तो क्या एक पासपोर्ट में क्या रखा है यार? क्या हमको ये दे देंगे ब्रिटिश पासपोर्ट बनवाने से? अरे बस ठीक है, हम इनके देश में रह रहे हैं, कोई ऐसा तो है नहीं ना कि हम इनके देश में रह के कोई उल्लंघन कर रहे हो, कोई हम जो है इनकी महारानी या महाराज के साथ में कुछ गद्दारी कर रहे हो, तो ऐसा तो कुछ नहीं कर रहे हैं ना। तो ब्रिटिश पासपोर्ट लेकर उनका जाके शपथ खाने की क्या जरूरत है थी? तो मैं इनको बहुत काफी कही, इनको सुनाई, लेकिन बोले कि नहीं जरूरी था आगे के लिए, और तब बच्चे बच्चे नहीं हुए थे और तुमको भी लाना था। तो हालांकि मैं इनके ब्रिटिश होने से पहले ही मैं आ गई थी, मेरा वीजा लग गया था, मैं आ गई। तो उसके बाद मैंने जो है फिर, हाँ मैं फिर, मेरे बच्चे तो भाई बोन है ही हैं, हस्बैंड भी हैं, मैं नहीं हूँ। मेरा जो है लगाव था इंडिया से, मैं इंडिया हूँ, इंडिया मेरे तन मन में बसा है, और मैं नहीं देख सकती थी, मैं नहीं, मेरा अंदर से दिल गवारा नहीं कर रहा था अब तक कि मैं जाऊं और ओथ लूं जाके किसी महारानी के, किसी और कंट्री के लिए। ठीक है, मैं इनके कंट्री में रह रही हूँ, मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, मैं इनके लिए ईमानदार तो हूँ ही ना, कसम खाने की क्या जरूरत है? तो मैं क्यों जाऊं? मुझे ऐसा लगता था कि मैं इंडियन होके मैं कसम नहीं खा सकती किसी और का। तो क्योंकि आप जब पासपोर्ट सरेंडर करते हो तो आपको ये एक ओथ सेरेमनी होती है, उसको उसमें जाना पड़ता है आपको, तो वो सब मैंने जो है नहीं करना था, तो मेरा पासपोर्ट काटा जाता जाएगा और मुझे अच्छा नहीं लगा। जब मैंने अपने हस्बैंड का नहीं मैं देख पाई तो मैं, मेरे साथ कैसे होते, कैसे स्वीकार कर सकते? सब लोगों ने बहुत समझाया, लेकिन अब इस बार जब मैं इंडिया से वापस आई हूँ तो अब मेरा मन यही कर रहा है, और मैंने प्रोसेस भी शुरू कर दिया है कि अब मैं ब्रिटिश पासपोर्ट अपना ले लूंगी और इंडिया पासपोर्ट सरेंडर कर दूंगी। तो आई एम गोइंग टू टेक ब्रिटिश सिटीजनशिप, आई होप, एंड आई एम नॉट एनी मोर आफ्टर दैट इंडियन। सो मेरा मन यही कर रहा है कि मैं चेंज कर दूं। अभी मैंने पक्का इरादा नहीं बनाया है, बट परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी हैं, मुझे अब इंडियन रहने में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे, मैं नहीं उस पॉइंट पर आना चाहती हूँ। आई थिंक इसमें वो क्वेश्चन एक है जो मैं थोड़ा बहुत जवाब दूंगी उसका, लेकिन उससे ज्यादा नहीं दे पाऊंगी। कुछ चीजें पर्सनल होती हैं, वो चीजें पर्सनल ही रह जाएं तो अच्छी बात है। बहुत सी चीजें मैं आपको अपना सुखी पॉइंट दिखाती हूँ, मैं आपको अपना दुखी पॉइंट दिखाकर आपको दुखी नहीं करना चाहती हूँ। मैंने आपसे अपना सुख शेयर किया है, आपसे यहाँ का दुख शेयर किया है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं। आई थिंक ना, मेरी तबीयत भी खराब होने वाली है। आई थिंक ना तो ये सही प्लेटफॉर्म है और ना ये जरूरी ही है, तो कि सारी सारी चीजें शेयर करके आपका भी टाइम मैं वेस्ट करूं, आपको भी डिस्टर्ब करूं, खुद भी डिस्टर्ब, मुझे इंडिया के बारे में सोचना ही नहीं है।
तो यस मैं अभी तो नहीं ली हूँ, मेरा जो है पीआर है, मैंने लाइफ इन यूके टेस्ट दिया था, यहाँ पर एग्जाम दिया था, और उसके बाद मैंने अपना परमानेंट रेजिडेंस ले लिया है। मैं चाहूँ तो पूरे जीवन में रेजिडेंस सिटीजनशिप ना लूँ तो कोई मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकता है, क्योंकि मेरा पीआर है। बट देखती हूँ जैसा जैसा होगा आपके साथ तो आगे शेयर ही करूँगी, तो इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। इतना जैसा होगा वो आपके सामने आएगा। तो चलिए मैं मूव करती हूँ अपने अनदर क्वेश्चन की तरफ। आप इंडिया मूव कर रहे हो क्या? तो ये क्वेश्चन आया था, इस पर मैंने उनको आंसर भी किया था कि बट छोटा सा आंसर किया था कि नहीं, हम इंडिया नहीं मूव कर रहे हैं भैया, महीने भर के लिए जाते हैं तो जीने नहीं मिलता है, और मूव कर जाएंगे तो शायद ये जिंदगी भी ना बचे, तो इंडिया नहीं मूव कर रहे हैं, और अब शायद हम इंडिया जाएं भी ना, मुझे इंडिया जाने में अब कोई दिलचस्पी नहीं रही है। पहले से ही कोई नहीं था हमारा परिवार में। रही बात मेरे जो है, फिर उन्होंने जब मैंने ये बात कही तो किसी ने ये भी कहा कि क्या इंडिया में कुछ हुआ है क्या, आपकी बातों से यही लगता है कि आप बहुत हर्ट हो। तो यस हर्ट हूँ मैं, लेकिन मैं वही कहा कि कोई चीज़ पर्दे, कुछ चीज़ें पर्दे में ही रहने दो तो ज़्यादा अच्छा है, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो बात खुल जाएगी। तो इसलिए तो कुछ चीज़ें पर्दे में ही रहने दो, जो जहाँ जैसे है खुश रहे, बट मुझे अब कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर मैं बाय द वे इंडिया गई, हम गए इंडिया, तो हम सिर्फ अब अपने बच्चों के लिए जाएंगे, अपने लिए जाएंगे, अब किसी के लिए नहीं जाएंगे। किसी का मतलब किसी के लिए नहीं जाएंगे, सिर्फ अपने बच्चों के लिए जाएंगे। अरे हम इतना पैसा खर्चा करके जाते हैं यहाँ से सिर्फ इसलिए कि हम अपने फैमिली में रह सकें, उनका प्यार पाएं, उनको इतने सालों से नहीं देखा है, उनके साथ रहें, उनको अपना अपना साथ दें, हमसे जो बन पड़े हम उनके लिए करें, और हम अपने बच्चों को कहीं लेकर नहीं जाते, कहीं घुमाने फिराने नहीं लेकर जाते हैं, उनको कोई एडवेंचर ऐसा कुछ भी नहीं दिखाते। घुमाने को बहुत सी जगह है अपने इंडिया में, हम बच्चों को नहीं। अब प्रियंका भी समझदार हो गई है, शिवांश भी समझदार हो रहा है, अभी दो छोटे बच्चे हैं, ये भी बड़े ही हो जाएंगे, तो हम अब तक जब तक गए सिर्फ हम मतलब घर में ही बंद कर महीने भर रह जाते थे, कहीं नहीं जाते थे, कहीं हम टाइम स्पेंड नहीं करते थे, कहीं भी जाते भी थे तो फैमिली के साथ जाते थे, मतलब फैमिली में कौन है, ये पापा हैं उनको लेकर जाते थे साथ में, या और घर का कोई होता था लेकर। अभी हम वैष्णो देवी गए तो एक लोग हमारे यहाँ, दो लोग रहते थे तो उनको लेकर गए कि मेरे बहाने से कम वो, उनका नाम तो था कि वो मेरी सेवा के लिए जा रहे हैं, लेकिन मेरा ये था कि मेरे बहाने से कम उनको भी माता रानी के दर्शन हो जाएंगे, उनका भी कुछ उद्धार हो जाएगा, इसलिए मैं उनको लेकर गई थी। भाई मेरे मेरे नेचर में यही है कि अपने साथ भला बाद में करो, दूसरे का भला पहले करो, जो मुझसे बन पड़ता है मैं सबके लिए सोचती हूँ, लेकिन अब मैंने अपने लिए सोचना शुरू कर दिया है, अपने बच्चों के लिए सोचना शुरू कर दिया है। मैं अब नहीं, जब भी जाऊंगी सिर्फ अपने बच्चों के लिए जाऊंगी, उनको घुमाने फिराने ले जाऊंगी, मैं कहीं किसी के लिए नहीं जाऊंगी अब इंडिया। तो यस उसका ये हुआ, और बहुत कुछ इंडिया से मिल गया है, अब इस बार अब जाने का मन नहीं है, मन भर गया है। बस भगवान सबको जो है सुखी रखे जहां भी रहे लोग। बाकी अब हमने जो क्रिएट किया है, जो हमारा है वो यहाँ है, हमारी फैमिली हमारी है बस। तो उस बात का ये आंसर था। सारी चीजें ना प्लीज कुछ मेरे पास भी रहने दो, सारी चीजें मैं नहीं बता सकती हूँ, हम ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं, आप लोग समझ ही सकते हो। और कहते हैं ना कि ये जांग खोलो तो अपनी बेइज्जती, ये जांग खोलो तो अपनी बेइज्जती है, तो इसलिए समझा करो। तो एक क्वेश्चन है, बहुत इनके इनके कई क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि जो मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ। एक्चुअली कुछ लिखा है लेकिन
अलग अलग नहीं है वर्ड्स, तो मैं पढ़ भी नहीं पा रही हूँ, बट जो जो मुझे समझ में आया है मैंने लिख लिया है। इनके कई क्वेश्चन थे, मैंने जिसका आंसर दे भी दिया है, वो चार बच्चों वाले और ये सब इन्हीं के थे। कहते हैं कि कितनी अजीब बात है, आप यूके में रहती हो, कुछ भी पहन सकती हो, फिर भी सलवार सूट पहनती हो, तो क्या सिर्फ घर में पहनती हो या बाहर? तो मैं यूके में जरूर हूँ, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा जो है वेस्टर्न कपड़े अच्छे नहीं लगते। आप मेरे कबर्ड में या मेरे स्टॉक में भी देखोगे तो वेस्टर्न कपड़े मुझे खरीदते हुए आप कम ही देखोगे। मैं नहीं खरीद पाती, मुझे अच्छा नहीं लगता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं है, है कुछ कुछ है, एक आध दो है, चार है। जैसे अब मान लो कि अगर इंडियन कपड़े हमारे 50 हैं तो 5 होंगे वेस्टर्न, ऐसे होंगे बस। तो यस, मेरा मन करे मैं कुछ भी पहनूं, कुछ भी खाऊं, कैसे भी रहूं, मुझे कोई नहीं कह सकता है। ना मेरे हस्बैंड इस तरीके से हैं कि मुझे रोक टोक करते हैं किसी चीज का, बट मुझे नहीं पहनने का मन करता। और फिर यहाँ पर वेदर ही ऐसा है। अब ये देखिए, अब ये मोटा, मैं ये पूरा ये लूजर टाइप का है, अब ये मैं ऐसे पहनूं पहने हूं तो ये ना वेस्टर्न में है ना इंडियन में है। मतलब यहाँ के वेदर के हिसाब से मुझे यही पहनना पड़ेगा ना, यहाँ के वेदर के हिसाब से मैं साड़ी पहनकर नहीं घूम सकती हूँ। मुझे साड़ी अच्छी लगती है लेकिन नहीं पहन सकती हूँ। जब फेस्टिवल होता है, घर में ही है तो फेस्टिवल्स में तो हम पहनते ही हैं, स्पेशल सूट वगैरह हम पहनते हैं, नॉर्मली पहन लेते हैं कि सूट के नीचे आप स्वेटर भी पहन सकते हो या बॉडी टाइट कर मतलब लोअर भी पहन सकते हो और स्किन टाइट कपड़े भी पहन सकते हो, उसके आप सूट पहन लो। साड़ी में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है, मतलब इस तरीके से नीचे कोई मोटा चीज पहनकर ऊपर से पहनो तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। हो सकता है बहुत से लोग मैनेज कर लेते हो लेकिन मैं नहीं कर पाती हूँ। मुझे इंडियन कपड़े ही शुरू से अच्छे लगे हैं, अभी भी अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं इंडियन ही लेती हूँ, इंडियन ही बनवाती हूँ और यहाँ भी मैं ऑनलाइन इंडियन बाय करती हूँ। तो और रही बात बाहर पार्टी या कहीं जाने की, तो वैसे तो मैं बहुत पार्टी में जाने वाली पर्सनालिटी तो नहीं हूँ, पार्टी वगैरह में मैं नहीं जाती हूँ। और जब जब मैं पार्टी में गई भी हूँ किसी मतलब हस्बैंड के, वही क्रिसमस पार्टी होती थी उनके वर्क पे, तो उस समय प्रियंका और शिवांश होते थे, तो एक आध पार्टी में मैं गई हूँ तो वहां मैं साड़ी पहन कर गई हूँ। मैं अपना कल्चर दिखाने में बहुत बिलीव करती हूँ। मैंने अपना कल्चर जो है इंग्लिश अंग्रेजों की पार्टी में जाकर साड़ी पहनकर, सूट्स पहनकर, जहाँ ये लोग ये स्लीपलेस एंड बैक लेस एंड लेग लेस, ये लेस वो लेस पहन के पार्टियों में जाती थी लड़कियाँ। मेरे ही कम ऑफिस के ही हैं जो मेरे मैकडोनल्ड के हैं, तो वहाँ भी क्रिसमस पार्टी होती थी तो हम लोग भी जाते हैं पार्टी में। इस बार तो शायद मैं ना जा पाऊंगी, नहीं जाऊंगी क्योंकि बच्चे छोटे हैं अभी। लास्ट टू पार्टी में मैं गई थी तो वहाँ एक पार्टी में मैं साड़ी पहनकर गई थी, एक पार्टी में मैं सूट पहनकर गई थी। तो पार्टी में मैं सूट ही पहनकर जाती हूँ, साड़ी ही पहनकर जाती हूँ, क्योंकि मुझे मेरा कल्चर दिखाने का बहुत शौक है। मैं अपने कल्चर को उन्हें दिखाना चाहती हूँ कि ये मेरा कल्चर है, तो मैं इसे अपने कल्चर को क्यों ना फॉलो करूँ। आप अपने कल्चर को फॉलो करते हो, आप अगर पहन सकते हो हमारे कपड़े तो हम अपने कपड़े को क्यों नहीं पहन सकते हैं? हमें क्या शर्म है? जब इंडियंस कपड़े पहनना इंग्लिश को बहुत अच्छे लगते हैं, ये लोग पहनते हैं बड़े मन से, तो इसलिए मेरे पास वेस्टर्न कपड़े बहुत ही कम होंगे, इंडियन ज्यादा हैं। अच्छा देखो, इन्हीं के सवाल हैं। आपने मेरे कहने पर एक्सरसाइज शुरू कर दिया, आपको प्रेगनेंसी में शुगर था? नहीं जी, मैंने आपने कहा, थैंक यू, बहुत तहे दिल से थैंक यू, आपने मुझे सजेशन किया, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं किसी के कहने मैंने से कुछ नहीं करती हूँ, मेरे जब दिल में आता है तो ही मैं करती हूँ। आपने कहा तो मैंने आपको दिखाया, आप मेरे वीडियो पे चैनल पे जाओ, आप वहाँ देखो कई कई एक्सरसाइज के शॉर्ट्स हैं। मैंने पूरा अपना टॉक बनाया हुआ है इस पर, मतलब अपने डाइट प्लान पे मैंने आपको पूरा दिखाया भी है कि मैं क्या क्या करती हूँ अपने मतलब सुबह से लेकर और
डाइट में अपने वेट लॉस में क्या मैं इंक्लूड करती हूँ, मैंने सब कुछ दिखाया है, तो मैं कहने पर नहीं करती हूँ, ना किसी को देख कर कुछ करती हूँ, जो मेरा दिल करता है, मेरे अंदर से जो पावर आता है उसी के हिसाब से मैं काम करती हूँ। तो यस, बट आपने कहा था, थैंक यू इसके लिए। दीदी आप, अच्छा एक क्वेश्चन जो है बहुत ही वो था, आई थिंक जरूरी भी है, मुझे लगा था कि मुझे थोड़ा सा इस पर बोलने पर वो लग रहा था, मतलब शर्म जैसी लग रही थी, बट मैं बोल देती हूँ। दीदी आपने नेचुरल प्रेगनेंसी थी, दीदी आपकी नेचुरल प्रेगनेंसी थी या IVF प्रोसेस किसे थी? सो यस, नेचुरल थी, किसी प्रोसेस से नहीं थी, मेरे सारी प्रेगनेंसी जो है नेचुरल ही थी, खासकर ये ट्विंस तो वेरी वेरी नेचुरल थी। ट्विंस मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, ना मेरे फैमिली में और ना मेरे हस्बैंड की, हस्बैंड के माता पिता में, या मेरे सास या मेरी, मेरे ससुराल की कोई फैमिली बैकग्राउंड में ट्विंस का कोई ऐसा वो नहीं है। तो जो लोग हमसे बिलोंग करते हैं, जो लोग रियल में हमारे ब्लड रिलेशन में आते हैं, उनका कोई ट्विंस नहीं है, बट मेरी तो बहुत ही नेचुरल थी भैया। मैं तो अब 40 की हो गई हूँ, इस साल मैं 40 की हो गई। उस समय मैं जब मैंने प्रेगनेंसी किया था 38 की थी, तो 38 की एज में मुझे ट्विंस हुए हैं। तो यस, बहुत से लोग कहते हैं नहीं होते हैं, या बहुत से लोग कहते हैं चांसेस ज़्यादा होते हैं, जाने डॉक्टर क्या कहते हैं। और इवन जब मुझे ट्विंस हुआ तो मैं काफ़ी जो है सर्च करके वीडियोस वगैरह भी देखती थी कि ट्विंस कैसे हो, हुए कै क्यों हो जाते हैं। तो खासकर इस एज में शायद होते हों, या ऊपर वाले ने मेरी 3 की इच्छा ना पूरी करी, 4 कर दिया, ये उनकी इच्छा थी, उसको मैं मान के स्वीकार कर ली, करती हूँ। मेरे दोनों ट्विंस भगवान जो है लंबी आयु दें, दोनों प्यार से रहें, एक्चुअली चारों प्यार से रहें दोनों क्यों, और को सब कुछ नेचुरल ही था, और सब नेचुरल, बस यही था कि डिलीवरी जो है नेचुरल नहीं हुई है। मेरे तीनों बच्चे जो है, मतलब चारों प्रेगनेंसी मेरी, 3 प्रेगनेंसी, 4 बच्चे मेरे सिजेरियन से हुए हैं, तो सिजेरियन इज नॉट ईजी। ओके, सो आई थिंक आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। ओके, आप अलग अलग कपड़े क्यों पहनाते हो? बाकी पेरेंट्स तो सेम कपड़े पहनाते हैं ट्विंस को, रामकृष्ण को पहन, आप अलग अलग क्यों पहनाते हो? आपके बच्चे आपकी शक्ल के क्यों नहीं हैं? पता नहीं आपको कैसे लगता है मेरे बच्चे मेरी शक्ल के नहीं है, मेरी बेटी पापा के ऊपर गई है, मेरा बेटा मेरे ऊपर पड़ा है, ये दोनों एक जो है प्रियंका के ऊपर हैं, और आप किस नज़र से देख रहे हो मुझे नहीं मालूम, एक मेरे ऊपर गया है और एक जो है प्रियंका के ऊपर, प्रियंका के ऊपर जाने का मतलब है कि एक गया है अपने पापा की शक्ल का, और फिर अभी वो ग्रोइंग बेबीज हैं, अभी उनकी शक्ल पर क्या जाना, वो धीरे 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 चेंज होंगे। प्रियंका बहुत, मतलब बचपन में मेरे सारे बच्चे ऐसे ही थे, दोनों और बच्चे भी ऐसे ही थे जैसे ये मेरे दोनों ट्विंस की शक्ल है, तो ये चारों मेरे बच्चे एक जैसे ही हैं बचपन से, बचपन के, अब ये धीरे धीरे ये चेंज करेंगे। तो पता नहीं आपको ऐसे क्यों लगता है कि मेरे बच्चे मेरी शक्ल के नहीं है, भैया हो या ना हो बच्चे तो मेरे ही हैं, बच्चे तो वो अपने बाप के ही हैं, चाहे वो मेरी शक्ल के हो या ना हो, मतलब उनका कहना है कि आपकी फैमिली में वो किसी और के शक्ल के होंगे बट आपकी शक्ल के नहीं हैं। आपने पता नहीं किस नज़रिए से देखा, किस नज़र से देखा, लेकिन मैं नहीं पहचान पाती हूँ मेरे बच्चों को कि बच्चे जो है किस शक्ल के हैं, मेरे पे गए हैं या किस पे, मैं अपने बच्चों को नहीं, मैं दूसरे को बच्चों को बता दूंगी लेकिन अपने बच्चों को नहीं पहचान पाती, लेकिन जो दूसरे लोग कहते हैं उससे मुझे समझ में आया कि ये मतलब बेबीज मेरे ऊपर गए हैं, एक प्रियंका के ऊपर गया है, प्रियंका के ऊपर जाने का मतलब कि वो अपने पापा के ऊपर गया है, एक की हाइट भी थोड़ा सा जो है, एक कृष्ण जो है थोड़ा सा हाइट में ज़्यादा है, राम थोड़ा सा हाइट में कम है, ये भी मैंने लास्ट मंथ में फाइंड किया है। तो रही बात कपड़ों की, तो
मैं तो उनका कहने का मतलब है कि आप अगर एक जैसे पहनाओगे तो क्या आप पहचान नहीं पाओगे, आप राम कृष्ण को कैसे पहचानते हो कि ये राम है ये कृष्ण है। फिलहाल तो वो मैं आपको फिर से बता दूं कि ये दोनों बेबी नॉन आइडेंटिकल हैं, ये आइडेंटिकल नहीं है, नॉन आइडेंटिकल हैं। और मैं इनको डे वन से पहचान रही हूँ, जब से ये बाहर आए पेट से तब से मैं इनको पहचान रही हूँ कि ये राम है ये कृष्ण है। हाँ, इनके पापा भूल जाते थे बचपन में, अभी भी वो कौन सा कौन है कौन सा कौन है ये करते रहते हैं, कौन सा राम है कौन सा कृष्ण है ये करते रहते हैं। तो उन्हीं की सहूलियत के लिए मैंने शुरू से ही इनको कि मुझे जो है कलर कोडिंग करने में आसानी रहे, मैं कलर से बता सकूं कि ये राम है ये कृष्ण है, तो इनके पापा को बताने के लिए या किसी और को बताने के लिए मुझे जो है इनको अलग कपड़े पहनाने होते थे। हो सकता है भाई हर पेरेंट्स के अपने अपने थॉट्स अलग होते हों, ये मेरा अपना थॉट प्रोसेस है कि मैं सोचती थी कि मैं मतलब अलग अलग ही पहनाऊंगी कि ताकि जो है आगे चल के दिक्कत ना आए। अब ये नहीं कि ट्विंस हैं तो ये जो है सब एक ही जैसा करते हैं, एक ही जैसा करेंगे। हो सकता है कुछ इनका, अब जैसे राम का नेचर थोड़ा सा डिफरेंट है, कृष्ण का नेचर थोड़ा सा डिफरेंट है, तो नेचर भी मैं आपको बता रही हूँ, दोनों डिफरेंट नेचर के हैं। राम थोड़ा सा सोच समझ के देखभाल के पीसफुली होकर करता है, और कृष्ण जो है डेयर डेविल है, वो कुछ भी कर देता है, कुछ नहीं देखता कि वो सेफ है या अनसेफ है, वो नहीं देखता। और राम थोड़ा सा इस चीजों में थोड़ा सा केयरफुली रहता है, तो इस वजह से मैंने इनके पापा नहीं पहचान पाते थे, तो मैंने फिर इनको अलग अलग कपड़े पहनाना शुरू किया। और जब धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे तो उनकी अपनी खुद खुद भी वो आइडेंटिटी उनको मिलती जा रही है, नाम वो जो अपना पहचान रहे हैं कि कौन है राम कौन है कृष्ण। तो आई थिंक ज्यादा कुछ इस पे ना बोल के मैं इतना ही कहूंगी कि बस यही रीजन था। आप अकेले रातों को, अच्छा इन्हीं महानुभाव का ये भी है क्वेश्चन, वही कहा मैंने जो जो मैं पढ़ पाई हूँ अच्छे से वही मैं यहाँ पे लिखी हूँ, तो इसमें ज्यादा क्वेश्चन अब नहीं बचे हैं, थोड़े से क्वेश्चन है। मैं जब बहुत जल्दी वीडियो खत्म करूँ क्योंकि वीडियो काफी लॉन्ग हो जाएगी, आई थिंक मुझे ये वीडियो 2 भाग में करना पड़ेगा। आपको अकेले रातों को घर से बाहर निकलने में डर नहीं लगता, या फिर यूके में लेडीज सेफ हैं? तो पहले लगता था, अगर डर की बात बताऊं तो अब नहीं लगता, पहले लगता था जब मैं शुरू शुरू में जॉब करना शुरू करी थी, और नाइट में तो मैं काम करती नहीं थी, नाइट में आती थी लौट के, तो लौट के आते समय कभी कभी डर लगता था, बाकी ज्यादातर मैं जॉब के नाइट टाइम में जॉब पे ही होती थी, क्योंकि मैं शाम से शुरू करती थी कभी 5 बजे से कभी 6 बजे से, और हस्बैंड छोड़ने जाते थे, ड्राइविंग करती इतनी नहीं थी, और मेरा जॉब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से सिर्फ 5 मिनट का मतलब है ड्राइविंग डिस्टेंस। अगर आप इसीलिए और भी मैंने ड्राइविंग सीखा कि मैं अगर जाती हूँ पैदल तो मुझे 30 to 40 मिनट लग जाता था, और अगर मैं कार से जाती हूँ सिर्फ 5 to 6 मिनट लगता है मुझे आने जाने में, तो कितनी टाइम सेविंग हुई मेरी, ये इसको मतलब देखते हुए मैंने अपना ड्राइविंग सीखा। तो बस 5 मिनट का डिस्टेंस है, फिर मैं कार से जाती हूँ, और भैया सेफ सेफ कहूँ तो कहीं भी है, और सेफ कहूँ तो कहीं भी नहीं है। अब इस पर मैं ज़्यादा नहीं कुछ बोल पा रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता है कि क्या कहना चाहिए, बट क्वेश्चन आया था तो मैं ये कह रही हूँ कि पहले डर लगता था, अब नहीं लगता है, लेडीज़ के लिए सेफ है या नहीं इसके लिए मैं क्या कहूँ, और आई थिंक इस फिलहाल तो इंडिया से यहाँ काफ़ी सेफ है, ये इतना इतना कहूँगी। अब इस पर ज़्यादा मैं बोल दूंगी तो आप लोग कहोगे कि अरे अच्छा ठीक है इंडिया में ऐसा नहीं है तो इंडिया क्यों, ये वो दुनिया भर की बातें कहना शुरू करोगे, तो इससे अच्छा है बस इतना ही कहूँ मैं कि फिलहाल इंडिया से तो अभी तो यहाँ पर बेटर है, और सेफ्टी आपके हाथ में है, और ऊपर वाले ने जब आपको सेफ रखना है तो रखेगा, जो जब जैसे करना है वो करेगा, कुछ उसके ऊपर भी छोड़ देना चाहिए, ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। तो यस, उसके बाद है आपकी बेटी को हमारा वीडियो
बहुत पसंद आएगा, प्लीज ट्राई करिएगा मेरे चैनल पे आके। तो यस ऑफ कोर्स, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें जो है कहा ये बात, मेरी बेटी को इनवाइट किया आपने चैनल के लिए, बट आपने लिंक तो दिया नहीं है, मैं कैसे आऊंगी आपके चैनल पे? तो आप अपना चैनल, क्योंकि उस पर जाकर मैं क्लिक कर रही हूँ तो पता नहीं क्यों आपका चैनल ओपन नहीं हो रहा है। आपका चैनल किस टॉपिक से बन है, क्या कौन सा टॉपिक है आपके चैनल पे? तो पहले मैं देखूंगी, मैं अपने बच्चों को ज़्यादा अलाउ नहीं करती हूँ सोशल मीडिया पे या यूट्यूब वगैरह पे। उसे एक चैनल उसका मैंने बना दिया है छोटा सा, अपना डालती है कुछ, लेकिन वो भी मेरे सुपरविजन में, और उसका जो है पेरेंट्स गाइडलाइंस जो भी है उसको मैंने सेटअप कर रहा है। तो बच्चों के लिए क्या सुटेबल है, कैसा है, वो मैं पहले खुद देखूंगी, उसके बाद मैं कहूंगी। अगर उसको पसंद आएगा, मुझे पसंद आएगा, तो मैं उसको रिकमेंड करूंगी। थैंक यू, बट मैं ट्राई करूंगी, पहले मैं आप लिंक मुझे दो, मैं उस पर ट्राई करूंगी। आपकी आप अब ये तो बताओ, मतलब सारा रामायण खत्म हो गया और अभी आप पूछ रहे हो कि राम कौन था, रावण कौन था, बताओ भैया, सीता कौन था, लक्ष्मण कौन था? अब यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चन भी था, मैंने लिख लिया, वैसे तो ये क्वेश्चन मुझे पहले ही करना था। बेबी, आपके बेबी का जेंडर क्या है, कौन से ट्विंस प्रेगनेंसी है? तो ये तो समझ में बात आती है, कौन सी ट्विंस प्रेगनेंसी है, यानी कि नॉन आइडेंटिकल है। आई थिंक उनका पूछने का मतलब ये है कि नॉन आइडेंटिकल है या आइडेंटिकल है। तो यस, मेरे ट्विंस नॉन आइडेंटिकल हैं, ये ट्विंस तो हैं बट एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं, मतलब इनकी शक्ल एक दूसरे से नहीं मिलती है। ये दो प्लेसेंटा में थे अलग अलग, दो इनका खाना दाना पानी सब अलग मिलता था, एक का दाना खाना पानी सब अलग मिलता था। तो और लेकिन ये बहुत ही फनी मुझे लगा, आपके बेबी का जेंडर क्या है, दोनों बॉय है भैया। मैं हमेशा मेरे वीडियो में बिना मेरे दोनों चंगू मंगू के मेरा वीडियो ही नहीं पूरा होता है, तो अभी तक आपको जेंडर उनका नहीं पता चला, या तो आप बेटे वीडियो को देखे नहीं हो, स्किप करके देखते हो फिर, तो पता नहीं क्या है, बट जो भी है मैं अपने तरफ से आंसर दे रही हूँ कि दोनों बॉयज हैं। तो मेरे हमारे तीन बॉय हैं, एक बेटी है, तीन बेटे हैं, हमारी सिक्स की फैमिली है, हम छह लोग हैं। सो थैंक यू भगवान भोलेनाथ, हमें छह फैमिली, मतलब हमें एक तो मैं अकेली थी, पांच फैमिली मेंबर हमें देने के लिए, हम बहुत ही ब्लेस्ड हैं ऊपर वाले के यहाँ से। तो फैमिली 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 मैं करती थी, मेरी फैमिली का भरमार हो गया तो बहुत ही ब्लेस्ड हूँ इसके लिए। तो मैं कभी भी, मैं इसके लिए भगवान से हमेशा शुक्रिया करती हूँ, और भगवान मुझसे सब छीन ले, सब कुछ ले ले, मुझे कंगाल कर दे, गरीब कर दे, कुछ भी कर दे, लेकिन मुझे जो ये जो उपहार दिए हैं ये सुरक्षित रहे बस। आपका ब्लॉग मस्त था, मैं भी ब्लॉग करता हूँ, ओके, फुल देखना मेरी वीडियो, मेरे ब्लॉग्स, और बताना कि कोई गलती तो नहीं है। तो थैंक यू फॉर सेइंग मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगता है, मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगे, इस मीन्स अ लॉट टू मी। रही बात आपके ब्लॉग्स को देखने की, वो भी मैं देख लूँगी, वो भी मैं देखूँगी, ऑफकोर्स आपको सब्सक्राइब भी कर लूँगी, आपको सपोर्ट भी करूँगी जहाँ तक मुझसे हो सकेगा। बट यही है कि मैं बहुत ही न्यू हूँ यूट्यूब पे, मेरे ना तो उतने सब्सक्राइबर्स ही हैं, आप देख ही रहे होंगे, और ना ही मुझे इतना कुछ टेक्निकल जानकारी है, ना मैं इतना जानती हूँ कि आपकी गलतियों को निकालूं। हर कोई, हर इंसान परफेक्ट नहीं होता है, अगर हम परफेक्ट हो जाएं तो हम परमात्मा हो जाएंगे, ऊपर वाले की तरफ से हर इंसान जो है वो इंसान बनाता है। एक परफेक्ट होना ना होना हमारे हाथ में नहीं होता है, हम अपना कर्म करते हैं, तो हर कोई परफेक्ट नहीं होता, मैं खुद भी हूँ, मैं हर दिन सीखती हूँ, हर दिन कुछ ना कुछ खुराफात करती रहती हूँ। अपने वीडियो में देखा होगा, कभी कुछ कभी कुछ, कहीं मैं कुछ अच्छा, मतलब सिंपली
और अच्छे तरीके से करने की कोशिश करती हूँ। बहुत ज्यादा मुझे चटक भटक भड़काऊ वो भी नहीं पसंद है, बहुत ज्यादा लाइटिंग वाइटिंग आए और गड़बड़ गड़बड़ हो ये हो वो हो, बहुत ज्यादा बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही सादगी से, और एक मतलब लगे कि हाँ जो है कुछ इंट्रो हो रहा हुआ, कुछ अच्छा चीज हमें सबसे पहले उस जो फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, फर्स्ट आगे का जो है वो थोड़ा सा अच्छा करने की कोशिश करती हूँ। पहले तो मुझे एडिटिंग भी नहीं आती थी, अब तो थोड़ा बहुत मैं सीख भी गई हूँ करते करते। म्यूट करना तक नहीं आता था कि वॉइस को म्यूट करके और वॉइस ओवर करते हैं, मैं बिना म्यूट किए हुए ही वॉइस ओवर करना शुरू करती हूँ। तो बाहर का पीछे का जो है आवाज आना ये सब रहता था, तो इसी वजह से किसी ने मुझसे कहा था कि आप जो है क्यों इतना मेहनत करते हो अपना जो है उसको ओरिजिनली वीडियो डाला करो। तो पहले मैं ऐसे करती थी, तब मुझे आता नहीं था म्यूट करना, तब मैं वॉइस ओवर करती थी और म्यूट भी नहीं करती थी, वैसे ही डाल देती थी। बहुत ही फनी वीडियो होता था मेरा पहले का, अब थोड़ा थोड़ा मैं सीख गई हूँ, तो इसी वजह से मैं उसको म्यूट करके डालती हूँ कि इतने सारे काम होते हैं बिहाइंड में, मशीन चल रही है किचन में ही, यहाँ मशीन होती है, मशीन चल रही है, वॉशिंग मशीन है या डिश वॉशर है, या बच्चे ही हैं, बेबी हैं, क्राई कर रहे हैं, कुछ कलछी बोल रहा है, कुछ नल बोल रहा है, तो किसी ने कुछ बोल दिया, तो इस वजह से म्यूट कर देती हूँ ताकि आपको अच्छी से बात समझ में आ जाए। तो मैं भी इतना नहीं जानती हूँ, मैं आपकी गलतियों को क्या निकालूंगी भैया, आप जो भी कर रहे होगे परफेक्ट कर रहे होगे, करते रहो सीख जाओगे। मुझे नहीं मालूम है कि उसमें क्या गलत है और मैं आपको क्या बताऊंगी ये गलत है ये करो ये सही है ये करो आपको। हाँ ये है कि मैं कोशिश करूंगी, मैं सपोर्ट करूंगी, मैं आपको सब्सक्राइब कर लूंगी, जो मेरे हक में है वो कर सकती, जो मेरे हक में ही नहीं है वो कैसे करूंगी। तो आई थिंक या दिस इज द लास्ट लास्ट क्वेश्चन था मेरा। आपका ब्लॉग मस्त है, थैंक यू। यस और सो बहुत सारी तारीफ और रिफ और वो सब चीजें होती हैं, वो सब पूरा मैं पूरा पढ़ूँ, और वैसे भी वीडियो बहुत लॉन्ग हो गई है, पढ़ूँ और बताऊँ आपको, तो मैंने इसी तरीके से लिख रखा था। आई थिंक मैंने सब कुछ कवर करने की कोशिश किया है, तो यही सारे क्वेश्चन थे। मैं जो हूँ जैसी हूँ आपके सामने हूँ, और आई होप आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। और आई थिंक अगर एक वीडियो में ये इंक्लूड हुआ तो ठीक है, नहीं तो हो सकता है मुझे ये पार्ट वन एंड पार्ट टू करना पड़े, देखती हूँ एडिट करके इसको मैं। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा आज का ब्लॉग और आज की वीडियो, आपको क्वेश्चन सारे समझ में आपके आंसर मिल गए होंगे। मैंने तो अपने हिसाब से पूरा सब कुछ कवर करने की कोशिश किया है, और आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको सब कुछ सही तरीके से पता चल गया, सही तरीके से आपको आंसर मिला या नहीं, और अगर कोई क्वेश्चन होगा तो फिर से आप पूछ सकते हैं, क्वेश्चन बॉक्स बंद नहीं है, खुला है, आप कोई भी क्वेश्चन कभी भी पूछ सकते हैं, जो मेरे हक में होगा, जो मैं आंसर कर सकती हूँ वो मैं करूँगी। तो चलिए फिर इस वीडियो इस ब्लॉग का करती हूँ एंड, आई होप आपको पसंद आई होगी आज की वीडियो, और आपका ये आपको ये टॉक पसंद आया होगा, और अगर कुछ भी पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करिएगा, और मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो मिल सके, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखो, जहाँ रहो सुरक्षित रहो, बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को, बाय बाय।